हाय, वेलकम टू बीइंग इंग्लिश क्लासेस। आपका लेक्चरर आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आया है और ये लेसन है आई बिलीव दैट बुक्स विल नेवर डिसअपीयर। इस लेसन में दरअसल ये जो लेसन है ये लेसन ना होकर एक इंटरव्यू है दो लोगों के बीच में। दोनों लोग जो हैं वो राइटर रह चुके हैं और पोएट रह चुके हैं और जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। यहाँ पर ये लेसन स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस है उन्हें डिस्कस करना चाहता हूँ प्री रीडिंग एक्टिविटी में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंटरव्यू एंड चैटिंग। बातचीत और इंटरव्यू के बीच में क्या फर्क है? दोनों इंटरव्यू में और चैटिंग में बातचीत ही होती है, लेकिन इंटरव्यू में एक इंसान जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसे कहा जाता है इंटरव्यूअर। वो कुछ सवाल पूछते हैं और इंटरव्यूई उसका जवाब देते हैं। और जहाँ चैटिंग की बात हो, चैटिंग का मतलब होता है दो लोग एक दूसरे से बात करना, और जब बात आती है सवाल की तो दोनों भी सवाल कर सकते हैं एक दूसरे को और दोनों भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि ये जो लेसन है ये एक लेसन इंटरव्यू के फॉर्म में है। थिंक ऑफ द डिफरेंट सिचुएशंस वेयर पीपल आर इंटरव्यूड। इंटरव्यू कब लिया जाता है? एग्जांपल के तौर पर जब आप नौकरी की तलाश में जाते हो तो आपका जो हायरिंग पर्सन होता है जैसे कि एचआर हो या कोई बॉस हो आपकी इंटरव्यू लेता है, ये एक तरीका हो गया इंटरव्यू लेने का। फॉर जॉब और फॉर एनरोलमेंट टू अ कोर्स एक्सेट्रा। हाउ डज इट वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन? इंटरव्यू लेने का जो तरीका होता है वो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता है। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो सपोज एक कोई एक्टर हो जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा हो तो वो एक्टर को काम पे रखने के लिए इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा, तो जो सवाल भी होंगे वो उस तरह से नहीं होंगे जैसे कि कोई बॉस किसी इंसान को नौकरी पर रखना चाहता हो। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं जो बोलना चाहता हूँ आप लोग से। यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिखाई देगा, एक बुजुर्ग इंसान का जो पिक्चर है। इन बुजुर्ग का नाम है जॉर्ज लुइस बोर्जेस। ये काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन है। अगर आप इनका पिक्चर देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि ये पिक्चर में कुछ ना कुछ तो खासियत है। और इनका जो इंटरव्यू ले रहे उस शख्स का नाम है रॉबर्टो एलिफानो। तो इस लेसन में दो नाम का जिक्र किया गया है। सबसे पहला नाम तो है रॉबर्टो एलिफानो जो इंटरव्यू ले रहे हैं, और जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है उनका नाम है जॉर्जेस लुइस बोर्जेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेसन के बारे में। इस लेसन के बारे में मैं सिर्फ इतना ही समरी दे सकता हूँ कि ये जो इंसान है बोर्जेस, ये एक जमाने में बहुत बड़े इंसान थे। वो जर्नलिस्ट रह चुके थे, राइटर रह चुके थे, पोएट रह चुके थे, और एक अपने जिंदगी के एक मोड़ पर वो देख सकते थे। लेकिन कुछ सालों के बाद उनकी रोशनी जाती रही और आखिरकार वो अंधे हो चुके थे, उनको दिखाई नहीं देता था। लेकिन दिखाई ना देने के बावजूद उन्होंने अपने इस अंधेपन को अपनी मजबूरी नहीं समझी और इस अंधेपन को उन्होंने एक पॉजिटिव वे में ले लिया। तो आज हम उसी शख्स के बारे में, बोर्जेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोर्जेस को पूछा जाता है, व्हाट वाज योर फर्स्ट लिटरेरी रीडिंग बोर्जेस? एलिफानो बोर्जेस से ये पूछ रहे हैं कि आपने सबसे पहली किताब कौन सी पढ़ी थी। तो इस पर बोर्जेस जवाब देते हैं,
आई बिलीव माई फर्स्ट रीडिंग वॉज ग्रीम्स फेरी टेल इन एन इंग्लिश वर्जन। मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक लेसन आप लोगों को सिखाया है और उस लेसन में भी स्पेनिश कंट्री का जिक्र किया गया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में मुझे बताइए कि वो कौन सा लेसन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए लेसन की तरफ बढ़ते हैं। तो बॉर्जेस जवाब देते हैं कि मैंने ग्रीम्स फेरी टेल पढ़ी है और वो भी इंग्लिश वर्जन में। वही मेरी सबसे पहली किताब थी। आई वॉज एजुकेटेड बाय माई फादर्स लाइब्रेरी। इनके जो फादर थे इनके पास काफ़ी सारी बुक्स थे। शुरुआत के दौर में बॉर्जेस स्कूल नहीं गए कि उन्होंने इतने किताबें पढ़ी थी अपने फादर के लाइब्रेरी से कि वो काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो गए थे उस उम्र में भी। तो वो कहते हैं कि मेरी सबसे पहली किताब जो थी मेरे फादर के लाइब्रेरी से मैंने जो पढ़ी थी वो थी क्रीम्स फेरी टेल और वो थी इंग्लिश में। आई वॉज एजुकेटेड बाय माई फादर्स लाइब्रेरी परहैप्स मोर देन बाय हाई स्कूल और द यूनिवर्सिटी। उन्होंने इतने किताबें पढ़ी थी उनके फादर के लाइब्रेरी से कि उनका जो एजुकेशन का जो लेवल था उनका जो नॉलेज का जो लेवल था वो एक हाई स्कूल जाने वाले बच्चे का या तो फिर एक यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे के बराबर हो गया था। अब अंदाज़ा लगाओ कि उन्होंने कितने सारी किताबें पढ़ी होंगी अपने फादर के लाइब्रेरी से और फादर के लाइब्रेरी में कितनी सारी किताबें होंगी जो उनके फादर पढ़ा करते थे। तो बॉर्जेस को पढ़ने का जो शौक़ था वो पहले से था, बचपन से था, और इसी वजह से पढ़ते पढ़ते वो एक पोइट बन चुके थे, एक राइटर बन चुके थे। दूसरा सवाल एलिफेनो बॉर्जेस को पूछते हैं, कैन वी टॉक अबाउट डोना लियोनोर योर मदर। अब यहाँ पर एलिफेनो बोलते हैं कि क्या हम आपके जो मदर है उनके बारे में कुछ बात कर सकते हैं। यहाँ पर डोना लियोनोर इसका इस्तेमाल किया है। लियोनोर ये जो है वो उनके मम्मी का नाम है। डोना जो है वो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि डोना एक टाइटल होता है जैसे कि मिस्टर या मिसेस, या इंडिया में श्री और श्रीमती का इस्तेमाल किया जाता है नाम के आगे, उसी तरह से डोना और डॉन ये दो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, तो बॉर्जेस इस पर जवाब देते हैं कि माय मदर वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। वो कहते हैं कि मेरी जो मदर थी वो आम इंसान नहीं थी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थी, क्योंकि आई शुड स्पीक अबव ऑल ऑफ हर काइंडनेस टूवर्ड्स मी। वो कहते हैं कि मेरी जो मदर थी वो मेरे लिए वो काफ़ी दयावान थी, उनके पास दया का भाव था और खास मेरे लिए वो काफ़ी दयालु थी। आई टेल यू अ सीक्रेट ऑफ माइंड, आई फील समवॉट गिल्टी फॉर नॉट हैविंग बीन अ हैप्पी मैन इन ऑर्डर टू हैव गिवन हर अ डिजर्व्ड हैप्पीनेस। वो कहते हैं कि मुझे एक सीक्रेट आप लोग से शेयर करना है और वो है वो मेरी मदर के ताल्लुक से। वो कहते हैं कि कभी कभार मुझे कहीं ना कहीं ऐसा अपने आप में काफ़ी गिल्टी महसूस करता हूँ मैं। यहाँ पर गिल्टी का मतलब होता है कि अपने आप को गुनाहगार समझना। वो कहते हैं कि मैंने जब मेरी मदर जिंदा थी तब मैंने उन्हें उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं दिया, उस तरह की खुशी नहीं दे पाया, वो अटेंशन नहीं दे पाया, क्योंकि मैंने मेरा उनकी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं था जब वो जिंदा थी। परहैप्स आई फील गिल्टी। मैं अपने आप को अब उन्हें काफ़ी पछतावा हो रहा है कि उन्होंने इस तरह से अपनी मदर को अटेंशन नहीं दे पाने की वजह से, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कुछ गलती की है, उन्हें अपनी मदर का ध्यान रखना चाहिए था, उनके साथ रहना चाहिए था, उन्हें अटेंशन देना चाहिए था। परहैप्स आई शुड हैव बीन मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर। वो कहते कि काश मैं उन्हें और अच्छी तरह से समझ पाता कि उन्हें क्या चाहिए, बट आई डोंट नो, आई सपोज दैट इट इज थ्रू ऑफ ऑल चिल्ड्रन। वो कहते शायद ये सारे बच्चों के साथ में ऐसा ही होता होगा कि सारे बच्चे अपनी अम्मी को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते कि उन्हें कि उनकी अम्मी उन बच्चों से क्या चाहती है।
that when our mother dies, we feel that we have taken her for granted. यहाँ पर वो कहते हैं कि taken her for granted का मतलब होता है कि बहुत ही lightly ले लेना किसी बात को. Taken for granted का मतलब होता है किसी बात को lightly लेना. अब यहाँ पर उनकी जो मदर थी जब वो जिंदा थी तब उन्होंने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया. As we do with the moon or the sun or the seasons. जिस तरह से हम चांद को या सूरज को या जो मौसम आते जाते रहते हैं उनके बारे में ज़्यादा ख्याल नहीं करते. हम ज़्यादा गौर नहीं करते कि सूरज कितना तेज चमकता है, कितनी ज़्यादा गर्मी होती है सूरज में. हमने कभी इतना गौर करके कभी इस बारे में सोचा नहीं. हमने ये भी नहीं सोचा कि सूरज कैसे ढलता है, कैसे उगता है और चांद की रोशनी कितनी अच्छी है, रात में चांद कितना खूबसूरत दिखाई देता है. ये सारी चीज़ें हम गौर से देखते नहीं क्योंकि हम इसे आम बात समझते हैं. सूरज का आना और जाना, चांद का आना और जाना और किसी मौसम का आना और जाना, ये हम सिर्फ आम बात समझते हैं. उसी तरह से जॉर्ज लुइस बोर्जेस वो अपनी अम्मी को भी इसी तरह से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि हमने भी अपने अम्मी को इसी तरह से समझ लिया था, एकदम लाइटली समझ लिया था, लेकिन उसके जाने के बाद उनकी कमी का एहसास अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने कुछ गलती की थी. अगर वो हयात रहती तो आज मैं उन्हें अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देता. वी फील वी हैव अब्यूज्ड हर. ऐसा लगता है जैसे कि हम लोगों ने गलत ट्रीटमेंट दे दी. या यहाँ पर अब्यूज़ का मतलब होगा, देखो अब्यूज़ का लिटरल मीनिंग इंग्लिश में होता है कि गाली देना किसी को. तो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उन्होंने गाली दी, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा कहूँगा कि वो ऐसा समझते थे कि उन्होंने ना सबसे बड़ी गलती की है और उसका पछतावा उन्हें बहुत हो रहा है कि उन्होंने उनकी अम्मी को अच्छी तरह से देखभाल नहीं की. बिफोर हर डेथ इट डजंट डॉन ऑन अस. वो कहते हैं कि जब इंसान जिंदा रहता है और हमारे साथ रहता है तब हमें उनकी कदर नहीं होती है, लेकिन जब वो इंसान हमसे दूर जाने लगता है या हमसे दूर चला जाता है हमेशा हमेशा के लिए, तब हमें उस इंसान की कमी महसूस होती है हमारी ज़िंदगी में. माई मदर वॉज एन इंटेलिजेंट एंड अ ग्रेशियस वुमन हु आई बिलीव्ड हैड नो एनिमीज. वो कहते हैं मेरी जो मदर थी वो काफ़ी समझदार थी और एक अच्छे दिल, काफ़ी नेक इंसान थी और उनका कोई दुश्मन नहीं था. एलिफेनो प्लीज़ फॉरगिव मी. एलिफेनो को काफ़ी बुरा लगता है जब वो इस तरह का सवाल पूछते हैं और बोर्जेस काफ़ी मायूस हो जाते हैं. तो वो बोर्जेस से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कीजिए कि मैंने आपको अपने अम्मी के बारे में याद दिलाया. प्लीज़ फॉरगिव मी बोर्जेस फॉर आस्किंग यू दिस, व्हाट इज़ ब्लाइंडनेस टू यू. अगला सवाल एलिफेनो बोर्जेस से पूछते हैं कि आपके लिए अंधापन क्या है. इस पर बोर्जेस जवाब देते हैं, कोई और होता तो शायद वो ये कहता कि मैं काफ़ी बेबस हो चुका हूँ इस अंधेपन की वजह से या किसी और वजह से वो मायूस हो जाते या चाहते कि वो ज़िंदगी ना जीना चाहते हो, कुछ और इस तरह से. लेकिन बोर्जेस एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अंधेपन को अपनी ढाल बना ली और अपनी ताकत बना ली. वो कहते हैं कि वेल नाउ इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ. वो कहते हैं कि अब ये मुझे आदत हो चुकी है, अब ये मेरे जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. अ वे ऑफ लाइफ दैट इज़ नॉट एंटायरली अनहैप्पी. वो कहते हैं कि ये अंधेपन से मैं पूरी तरह से नाखुश तो नहीं हूँ, लेकिन इस अंधेपन की वजह से मुझे कुछ फ़ायदा भी हुआ है. अ राइटर एंड आई बिलीव जनरली ऑल पर्सन्स मस्ट थिंक दैट वॉट एवर हैपन्स टू हिम और हर इज अ रिसोर्स. यहाँ पर बोर्जेस कहते हैं कि जो कुछ भी गलत होता होगा इस दुनिया में हमारे साथ वो कुछ ना कुछ अच्छा होने के लिए ही गलत होता है और इसे हमें एक ताकत के तौर पर लेना चाहिए. रिसोर्स का मतलब होता है ये हमारी एक ताकत है. बोर्जेस ने अपने अंधेपन को एक ताकत के तौर पर बना लिया था. ऑल थिंग्स हैव बीन गिवन टू अस फॉर अ पर्पस. जो भी चीज़ें हमें दी जाती है वो एक
वजह उनके पीछे एक वजह होती है एंड एन आर्टिस्ट मस्ट फील दिस मोर इंटेंसली। और एक कलाकार होने के नाते हमें इस बात को समझ लेना चाहिए। ऑल दैट हैपेंस टू अस इंक्लूडिंग ह्यूमिलेशंस और मिसफॉर्च्यून्स और एम्बैरेसमेंट्स ऑल इज गिवन टू अस हैज अ रॉ मटेरियल हैज अ क्ले सो दैट वी मे शेप आवर आर्ट। वो कहते हैं कि जो भी कुछ हमें दिया जाता है वो चाहे एक बदनामी के तौर पर हो या एक इंसल्ट के तौर पर हो। ह्यूमिलेशंस का मतलब होता है जब हमें कोई बदनाम करता हो या इंसल्ट करता हो। एम्बैरेसमेंट का मतलब होता है जब हमें कोई बोर्जेस का मानना है कि दुनिया जो हमें देती है, हमें बदनामी देती है, हमें मिसफॉर्च्यून्स यानी कि बैड लक वगैरह और इंसल्ट और ये सारी चीज़ें देती है हमें नेगेटिव फॉर्म में। हमें इसे पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसे अपना हथियार बना लेना है। तो आप लोग देख सकते हो कि एलिफेनो जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बोर्जेस उसका जवाब दे रहे हैं। एलिफेनो अगला सवाल पूछते हैं, होमर रोट इन द ओडिसी। अब होमर कौन है? होमर भी एक तरीके का एक ज़माने में एक राइटर रहा करता था। उन्होंने ओडिसी नाम की एक बुक लिखी थी। द गॉड्स रोट एंड स्पन द स्कीन ऑफ र्यून फॉर मैन दैट देयर माइट बी अ सॉन्ग फॉर दोज येट टू बी बॉर्न। इस लेसन के बारे में मैं आज इतना ही सिखाने वाला हूँ। इस लेसन का पार्ट टू भी मैं बनाऊंगा। इस पार्ट टू में मैं आप लोग को और जानकारी दूंगा इस लेसन के बारे में। तब तक के लिए आप बीइंग इंग्लिश क्लासेस के साथ बने रहिए और अपने जितने भी वीडियोस हैं उनको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।